अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोर्ट है? एमए नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट, कमाना पड़ता है। क्या पहलवान गीता दंगल की रानी है? दंगल गर्ल फातिमा शेख ने क्या कहा था? हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुरभि गुप्ता, और ये रही आप सभी के लिए आज की बॉलीवुड की खबर। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार पहलवान गीता फोगाट को हरियाणा सरकार से डीएसपी का पद मिल ही गया था, और उसके बाद उनके और उनके पिता के जीवन पर आधारित आमिर खान की फिल्म दंगल भी रिलीज हुई थी। जानिए कौन है और क्या खास है गीता में। गीता ऐसी लड़कियों के लिए आइकन है जो कि रेसलिंग करना चाहती हैं। फीमेल रेसलिंग 55 किलोज में भारत को पहला गोल्ड मेडल देने वाली गीता थी, और उन्होंने अपने डीएसपी पद के लिए कोर्ट जाकर लड़ाई भी की थी, और साल बाद ही उनको ये पद मिल गया था। वैसे गीता का ये जज्बा आज का नहीं है, वो बचपन से ही इतनी हिम्मती रही हैं। अपने पिता का सपना पूरा करने वाली गीता फोगाट हरियाणा में जाट परिवार में जन्मी है। उनके पिता महावीर पहलवान हैं, उन्होंने गीता को पहलवान बनाने की राह दिखाई और इसमें उनका मार्गदर्शन भी किया। पहली सफलता उन्हें 2009 में मिली, जब पंजाब में हो रहे कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में गीता ने गोल्ड मेडल जीता। ये गोल्ड जीतने के साथ गीता ने इतिहास रच दिया, क्योंकि किसी भारतीय महिला को पहली बार ये तमगा हासिल हुआ था, और यही सब हमें दंगल में भी देखने को मिला था। लेकिन सिर्फ खेल के बारे में फोकस करना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि गीता के कैरेक्टर के साथ उनकी बहनों के कैरेक्टर्स को भी अब पोर्ट्रे करना चाहिए, क्योंकि दंगल गर्ल फातिमा शेख गीता का रोल करने के अलावा काफी विवादों में भी रह चुकी हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव ने शादी के 15 सालों बाद तलाक ले लिया था। आमिर और किरण ने 2005 में शादी की थी, और 2015 में इनके तलाक की खबरें सामने आते ही ट्विटर पर एक्ट्रेस फातिमा ट्रेंड होने लगी थी। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग दोनों के अफेयर की अफवाहें 2016 से 2019 के बीच काफी चर्चा में थी। दोनों को एक दूसरे के साथ कई बार मुंबई में स्पॉट भी किया गया था। आमिर और फातिमा के अफेयर की अफवाहें तब तेज हो गई थी जब एक्टर आमिर खान ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आदित्य चोपड़ा को फातिमा का नाम सजेस्ट किया था। हालांकि इस खबर के सामने आते ही किरण राव ने एक बयान जारी कर ये कहा कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में फातिमा का नाम जोड़ना खाली आमिर की ही राय नहीं थी। फातिमा ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है, क्योंकि मैंने कभी भी इतने बड़े स्तर पर इस तरह की किसी भी चीज का सामना नहीं किया है, ना ही कभी भी इस तरह की बातों को लेकर मुझे ट्रोल किया गया है। फातिमा 2018 में इन अफवाहों से घिरी हुई थी कि उनकी वजह से आमिर खान और किरण राव के रिश्ते में दरार पैदा हुई है। इस सवाल के जवाब में फातिमा ने ये कहा था कि ये सारी बातें मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग गलत चीजों को माने। अगर मैं असलियत में खराब हूँ तो लोगों को मेरी असलियत देखनी चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक बुरे इंसान के तौर पर देखें। दंगल गर्ल के बारे में इतना सब जानकर अब यही लगता है कि दंगल 2 में फातिमा और आमिर के इस सच को भी बाहर आना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस हर बार कुछ नया ही देखना चाहती है, और फिल्म का एंगल इस तरीके से भी बिठाया जा सकता है ताकि सिर्फ कुश्ती तक ही ना सीमित रह जाए, बल्कि ऐसे दंगल जिंदगी में भी हो सकते हैं ये भी दिखाया जाए। तो दोस्तों, आप बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।